कब जारी होगा अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन? फरवरी महीने में आप सभी का यहाँ पर ऑफिशियल न्यूज़ हम आप सभी को बता रहे हैं टीवी 9 से, जो कि यहाँ पर अपडेट उनको आया है इंडियन आर्मी की तरफ से कि आप सभी का फरवरी के किस डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। आप सभी को पता है कि इस बार भर्ती परीक्षा जो है उसको बदल दिया गया है। आप सभी को पता है इस बार आप सभी का सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा। पूरा जो न्यूज़ आया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग पढ़िएगा तो आप सभी को देखने को मिलेगा कि अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन, भारतीय सेना के लिए इस बार अग्निवीर भर्ती में चयन प्रक्रिया को आगे पीछे किया गया है। कहने का मतलब कि जो कि पहले आपका फिजिकल होता था फिर रिटेन होता था, उसको अब रिटेन को आगे करके आपका फिजिकल बाद में कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा उनका कहना यहीं पर है कि हम भीड़ को कम करना चाहते हैं। एक तो उन्होंने सबसे पहले 4 साल का कम कर दिया, 40 साल कार्यकाल कर दिया आप सभी का, जितने भी बच्चे थे 4 ही साल आप सभी बच्चे एग्जाम मतलब कि देने के बाद पास करने के बाद नौकरी कर सकते हैं। अब वो लोग क्या किए कि कम से कम फिजिकल में बहुत सारे बच्चे निकालने के बाद कम से कम रिटेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते थे कि रिटेन एग्जाम भी देके पास कर जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा, बीच में तैयारी करने का भी समय होगा और मोटिवेशन भी और ज़्यादा हो जाता है हमारा फिजिकल निकालने के बाद। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि भीड़ ही को ख़त्म कर दे रहे हैं, पहले रिटेन एग्जाम लेके आधा से ज़्यादा बच्चा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा फिजिकल मतलब रिटेन एग्जाम में ही। इन्होंने साफ यहाँ पर अपडेट में भी साफ साफ लिख रखा है। आगे अगर हम लोग देखेंगे अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन को जल्द ही जारी किया जा सकता है। भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस बार भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। हालांकि भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि क्वालिफिकेशन जो आप सभी का 10th पास था वो रहेगा ही, और आप सभी का जो उम्र का बदलाव है एज लिमिट में भी कोई आपका बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। मतलब कि बहुत बच्चे जो सोच रहे थे कि हमारा एज ग्रुप जो है वो 23 से बढ़ के कम से कम 25 कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी यहाँ पर कोई अपडेट एज रिलैक्सेशन को लेकर नहीं दिया गया आप सभी को। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने साफ बता रखा है कि सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा जिसे हम CBT भी बोलते हैं देनी होगी, इसके बाद फिजिकल फिटनेस संबंधित परीक्षा और मेडिकल जांच से गुजरना होगा, ठीक है। आप सभी का यहाँ पर पहले ही हम बता दिए हैं और इन्होंने अपना नोटिस में भी बता दिया, नोटिफिकेशन फरवरी 2023 के मध्य तक जारी हो जाएगी। आप सभी को हम बताना चाह रहे हैं कि 16 फरवरी के बाद आप सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप सभी का आ जाएगा, ऑनलाइन डेट भी इसका आप सभी का आ जाएगा फॉर्म भरने का, ठीक है। तो अप्रैल 2023 में आयोजित हो सकती है परीक्षा, मतलब कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा अप्रैल में, और आप सभी का फॉर्म कब तक भराएगा फरवरी में, तो मार्च अप्रैल आपके पास कम से कम 2 मंथ का टाइम है, आप अपना रिटेन एग्जाम का तैयारी जितना अच्छा से कर सकते हैं कर लीजिए। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में देश भर में आयोजित की जाएगी, मतलब अलग अलग राज्यों में। आप सभी का अगर मान लीजिए आप झारखंड से भर रहे हैं तो आप अपना सेंटर कहाँ दीजिएगा, रांची। जैसे SSC एग्जाम कराती है वैसे ही आप सभी का इस बार अग्निवीर का भी एग्जाम होने वाला है। परीक्षा का आयोजन लगभग 200 स्थानों पर किया जा सकता है, इसके लिए सभी तैयार को अंतिम रूप दे दिया गया है, ठीक है। मतलब कि जितने भी एग्जामिनेशन के सेंटर है उनको यहाँ पर दे दिया गया, उनको बता दिया गया कि आप सभी के सेंटरों में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है अग्निवीर का। परीक्षा के लिए आवेदकों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही अपना चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि फिजिकल के लिए आप सभी को वहीं बच्चों को बुलाया जाएगा जो कि रिटेन का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। रिटेन में फेल हुए तो आप सभी का गया आप सभी का अग्निवीर इस बार वाला। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पहले यही था कि चयन प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पहले जो चयन प्रक्रिया थी उसमें क्या था कि पहले फिजिकल दीजिए फिर रिटेन एग्जाम दीजिए उसके बाद मेडिकल होता था फिर ज्वाइनिंग होता था। इस बार इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया और अपने नोटिफिकेशन में यही बताया गया है। एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग देख रहे तो आप सभी को पता है कि 17.5 साल से लेकर 23 साल तक इसका एज लिमिट है। इसमें एज लिमिट मतलब कि उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है, उम्र सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा अगर हम लोग देखें कि आप सभी का फॉर्म यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 16 फरवरी हम बार बार बता रहे हैं 16 फरवरी को आप सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम आप सभी को पहले बताएंगे, उससे पहले हमारे चैनल भोले सिंह को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।